कोरोना की चेन तोड़ने के लिए देश में की गई तालाबंदी से जहां जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं पर्यावरण के साथ साथ नदी और गंगा के पानी पर भी इसका अच्छा असर देखा जा रहा है। आमतौर पर गंगा या नदी के पानी के नीचे की सतह देख पाना मुश्किल होता था, मगर इन दिनों छोटी काशी कहे जाने वाली बुलंदशहर के अनुपशहर गंगा घाट का पानी इतना साफ हो गया है कि गंगा के नीचे की जमीन की सतह भी नजर आने लगी है। देश में गुस्ताख कोरोना पैर पसारे हुए है, जिसे मात देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक के बाद एक दांव चला जा रहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जहां पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था, तो वहीं पीएम मोदी की ओर से एक बार फिर इसकी अवधि 19 दिन यानी 3 मई तक बढ़ा दी गई है, जिसके चलते देश में सड़कों पर फर्राटे भरने वाले वाहन समेत मॉल्स, मार्केट, टूरिस्ट प्लेस, ट्रेन, यहां तक कि हवाई जहाज भी बंद हैं। जबकि इस लॉकडाउन में व्यावसायिक फैक्ट्रियों और आम गतिविधियां भी पूरी तरह बंद हैं। इससे गंगा के पानी की क्वालिटी भी बेहद सुधर गई है। Time24 न्यूज की टीम छोटी काशी कहे जाने वाली बुलंदशहर के अनुपशहर में स्थित अलग अलग गंगा घाटों पर पहुंची। हमारी टीम ने यहां पहुंचकर न सिर्फ गंगा के पानी की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की, बल्कि घाट पर सारा जीवन गुजार देने वाले मल्लाहों से भी बात की। गंगा में बोट चलाने वाले मल्लाहों की माने तो लॉकडाउन के समय से अब तक गंगा के पानी में 40 से 50 फीसदी तक सुधार आ गया है। भाजपा ने गंगा सफाई को प्राथमिकता देते हुए न सिर्फ गंगा को साफ करने की कोशिश में कई योजनाएं बनाई, बल्कि योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सरकार की ओर से इस पर कितना ही धन भी खर्च किया गया है, मगर उसके बाद भी वो नतीजे कभी देखने को नहीं मिले जो महज चंद दिनों के लॉकडाउन में सामने आने लगे हैं। घाट पर बोट चलाने वाले मल्लाहों का कहना है कि लॉकडाउन से उनके सर पर भले ही रोजी का संकट मंडरा रहा हो, मगर गंगा को पूरी तरह स्वच्छ होते देख ये लोग बेहद खुश हैं। सालों बाद प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिला है जिसमें मानो प्रकृति खुद अपनी मरम्मत करने में जुटी हो। जबकि लॉकडाउन में पसरे सन्नाटे के बीच एक बार फिर वो पक्षी वापस घाट के करीब आने लगे हैं, जो पक्षी पर्यावरण में लगातार फैलने वाले प्रदूषण की वजह से घाट से दूर चले गए थे। हम इस वक्त अनुपशहर छोटी काशी में मौजूद हैं और लॉकडाउन का दूसरा पार्ट चल रहा है और यहाँ फैक्ट्री एरिया जब बंद होने के कारण गंगा का इस वक्त पानी भी बहुत साफ हुआ है और हमारे साथ कुछ लोग सिक्योरिटी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन चलने के बाद में जिस तरीके से फैक्ट्री बंद हुई हैं और गंगा पर क्या प्रभाव पड़ा, पानी पर कैसा साफ है, कितना साफ है? सर, पहले से तो बहुत ज़्यादा स्वच्छ हुआ है गंगा जल पहले से बहुत ज़्यादा साफ हुई है। इतनी गंदगी नहीं है जो पहले थी, जो लोग आकर के नहाते थे और थोड़ी बहुत वैसे ही गंदियाँ साथ लेके आते थे वो नहीं है। अच्छी जो है स्वच्छता देखी जा रही है गंगा जी के जल में, पहले से काफ़ी अच्छा खासा। गंगा का इस वक्त पानी भी पी सकते हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल पी सकते हैं। एकदम शुद्ध? बिल्कुल शुद्ध सर, बिल्कुल 100% शुद्ध। इस वक्त देखिए कितना पानी साफ हो चुका है। मैं अनुपशहर छोटी काशी में मौजूद था और Time24 के लिए इरशाद गाजी अनुपशहर से।